लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भाजपा की सरकार में जिस तरह से राहुल गांधी जी को लेकर एक डर का माहौल बना हुआ है, वो बीजेपी के लिए अब मुसीबत खड़ा करने लगा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई भाजपा की सरकार में अध्यक्ष जी ने लोकसभा के की, एक कोर्ट के फैसले के ऊपर तुरंत ही राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर दिया और उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, इसको लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, शायद इसका अंदाजा बीजेपी को नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े अखबारों ने लिखा, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत मैं कहूंगा बीजेपी के लिए कि बीजेपी सरकार के अंदर है एकनाथ शिंदे जी के साथ, कहां महाराष्ट्र में, और वहीं पर बीजेपी की सरकार के समर्थन वाले एक विधायक जो है उन्होंने ही इस पूरी की पूरी कार्यवाही गलत बता दिया है और राहुल गांधी जी के समर्थन में उनका बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो महाराष्ट्र में है उसके लिए फजीहत की वजह बना हुआ है। न्यूज 24 ने डाला है और ये बड़े कद्दावर विधायक है, बहुत बड़ा इनका नाम है बच्चू कड़ू, आपने बहुत बार इनका नाम भी सुना होगा, विवादों में भी रहा शिंदे सरकार के अंदर। न्यूज 24 ने लिखा, राहुल पर की गई कार्रवाई गलत, जल्दबाजी में उठाया गया कदम, एकनाथ शिंदे के खास विधायक बच्चू कड़ू का बड़ा बयान। बच्चू कड़ू का बयान आना, महाराष्ट्र के लोग अच्छे से समझते हैं इस पूरी बात को कि शिंदे सरकार जो है, एकनाथ शिंदे जी की और भाजपा की जो गठबंधन की सरकार है, उसके एक अहम चेहरा है बच्चू कड़ू, और काफी विरोध का सामना भी इन्होंने करा था जब ये शिंदे गुट ने बगावत करी थी, और आज की तारीख में इनका इस तरह का बयान आना ये साफ बताता है कि बीजेपी और शिंदे गुट में कितना तालमेल है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल पर की गई कार्रवाई गलत, जल्दबाजी में उठाया गया कदम, और ये बयान है एकनाथ शिंदे जी के खास विधायक बच्चू कड़ू का। इस बयान के बाद उसे जो राजनीति गरमानी थी वो गरमा चुकी है, लेकिन बीजेपी की सरकार के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है और उनकी फजीहत के लिए ये काफी है जिस तरह का बयान बच्चू कड़ू का आया है, महाराष्ट्र के एक अहम विधायक और एकनाथ शिंदे जी के बहुत करीबी और शिंदे सरकार का एक जाना माना चेहरा। तो ये बीजेपी के लिए काफी सुसाइडल सा दिखता है, पॉलिटिकली सुसाइडल इस तरह की कार्रवाई करना कि बीजेपी शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के सदस्यता के ऊपर कार्रवाई करवा के शून्य करके बहुत बड़ी गलती कर बैठी है, ये पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं। और साथ के साथ में प्रशांत किशोर जी, ब्रांड मोदी बनाने के अंदर एक बड़ा रोल निभाने वाले, उनका बयान भी ऐसा ही है जिसको एबीपी न्यूज ने लिखा है, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। प्रशांत किशोर यानी पीके ने राहुल की सजा को सख्त बताया, केंद्र को दी सलाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मामले को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को बयान दिया, उन्होंने बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति याद दिलाई, हर कोई जो है इस वक्त हैरान है, केजरीवाल जी ने क्या कहा था उसको भी हम दोहरा लेंगे, और उसके अलावा बीजेपी के ही सरकार के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान किस तरह से बहुत तेजी से वायरल हुआ, एक कथित वीडियो जिसमें वो सीधे तौर के ऊपर राहुल गांधी जी पर होने वाली कार्रवाई के खिलाफ दिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी है और कद जो है राहुल गांधी जी का बढ़ाने का काम किया है। मनीषा चौबे ने एक वीडियो डाला है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कल मैंने आपको दिखाया भी था, लिखा है भाजपा नेता श्री वीरेंद्र सिंह का ये कहना है कि राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, उन्होंने राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया है। मैं आपको वीडियो का एक अंशभाग दिखा देता हूं जिससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, और इस वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिनका नाम वीरेंद्र सिंह जी है और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इनके कद का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस कथित वीडियो का एक अंशभाग आप देख लीजिए। मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नजर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज तो हमारा एक सबसे बड़ा एक पिलर है जो जिसको फोर्थ स्टेट हम बोलते हैं, वो भी ये बात उठा सकता है, और जुडिशरी के बारे में आज भी हमारे देश में चाहे कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक नेता है, उनकी आस्था है। और यही नहीं, ये तो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बताए जा रहे हैं, जैसे बच्चू कड़ू जो विधायक है महाराष्ट्र के शिंदे गुट के, उनका बयान तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है और बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है, वैसे ही यूएस के एक सांसद का बयान आया है, और यूएस के उस सांसद ने सीधे तौर पे कहा है, जिन बयान को बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, राहुल गांधी के समर्थन में आए अमेरिकी सांसद बोले, राहुल को संसद से निकाल
निकाला जाना भारत के मूल्यों से विश्वासघात है। जो उन्होंने बयान दिया है वो ये है, जिसको बोलता है हिंदुस्तान के पोस्टर पे जगह दी है, राहुल गांधी को संसद से निकाला जाना भारत के मूल्यों से विश्वासघात है, मेरे पूर्वजों ने इसके लिए त्याग नहीं किया था। ये कहना रॉ खन्ना का, जो यूएस के सांसद है। अब ये खुद बीजेपी समझ रही है कि उसने क्या कर दिया है और किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में आने वाले बयानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो बीजेपी के अंदर खानों से आ रही है वो बीजेपी के लिए चिंता जाहिर सी बातें बढ़ा रही होगी। अरविंद केजरीवाल भी पहली बार स्पष्ट तौर के ऊपर राहुल गांधी जी का समर्थन करते हुए दिखे, तो ये कहीं बीजेपी ने विपक्ष को एक तो नहीं कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी की छवि को बढ़ावा दिया है, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है कितना नुकसानदेह है इसका अंदाजा हर पॉलिटिकल पंडित लगा सकता है। संदीप सिंह ने लिखा है केजरीवाल जी का वीडियो डाल के कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी और अरे कितना डरते हो यार, केजरीवाल साहब राहुल गांधी के समर्थन में उतरे। इस तरह के बयानों की एक तरह से एक बेड़ा लगी हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब लग रहा है होगा कि उन्होंने शायद एक सही कदम नहीं उठाया। राजनीतिक द्वेष विद्वेष एक चीज होती है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर जाना, और लोग साफ जोड़ रहे हैं आम जनता भी आम नागरिक भी इस देश का कि ये अडानी जी के ऊपर से ध्यान भटकाना छोड़ के अब अडानी जी के खिलाफ बोलने वाले को ही बाहर कर देना आखिर क्या बताता है। ये जनता का पैसा है, इतना बड़ा स्कैम के ऊपर आरोप लगाना है, लेकिन मोदी सरकार को अब प्राथमिकता यह है कोई बोले नहीं। अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, राहुल गांधी के समर्थन में बोले अखिलेश यादव, विपक्ष की ताकत से डर गई है भाजपा, विपक्ष की ताकत से डर गई है भाजपा। क्या पूरी विपक्ष को एक करने का काम बीजेपी की इस कार्रवाई से हो गया है? क्या बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसको वो अब सुधार नहीं सकते हैं? यूएस के सांसद का बयान आना, वो बयान भी आंखें खोलने वाला है, और साथ के साथ महाराष्ट्र के गद्दावर विधायक बच्चू कड़ू का बयान राहुल गांधी जी के समर्थन में आना, जो शिंदे सरकार के समर्थन का एक हिस्सा है और शिंदे जी के एक बहुत क्लोज लोगों में से है, और बीजेपी की सरकार है वहां पर शिंदे जी के साथ, वहां से ऐसा बयान आना बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके, और साथ के साथ में अपने साथियों से भी कहिए कि वो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको जो वीडियोस नहीं मिलते हों वो मिलने लगें और रीच जो है अपने आप तक पहुंच जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।